अगले कॉलर हैं यमुनानगर से सुरेश पाल जी, स्वागत है आपका। आए जी सर, मैंने अपने बहू के बारे में पूछना जी। हाँ जी बताइए। मेरी बहू को थायराइड भी है जी और गठिया भी है। ठीक है। अच्छा देखिए, धनिया और अलसी, अलसी को हल्का सा भून लें और धनिए के साथ पाउडर बना लें। और एक आता है गोंद स्याह, काला गोंद, ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है। गोंद स्याह आधा ग्राम, और ये जो धनिया और अलसी का पाउडर आपने बनाया है ये एक चम्मच, याद रखें ये गोंद स्याह असली लें और आधा ग्राम इसमें मिलाकर सुबह और शाम खाने के बाद चम्मच भरकर ये इस्तेमाल किया करें दिन में दो बार। और जो थायराइड की दवा वगैरह है वो भी चलती रहते हैं, और हर दो महीने में फिर आप थायराइड का टेस्ट कराएं तो आपको अच्छा लगेगा, डॉक्टर को भी आपके, कि उनका थायराइड कंट्रोल आता जाएगा। जितना कंट्रोल आए आपके डॉक्टर के मशवरे से, वो उनकी थायराइड की गोली को प्रोटेंसी कम करते करते उसे छुड़ाएंगे। इसमें 6-7 महीने लग सकते हैं। दोनों चीज़ें, दोनों रोग बच्ची के ठीक हो सकते हैं आपकी बहू के। बिहार से हैं प्रवीण कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी सर, सवाल कर लीजिए। सवाल मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि जो मेरे को ऊपर सांस की प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं कुछ दवाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ। समझे नहीं बच्चे, हम तो क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ें बहुत आ रही है आपके यहाँ से। मैं बोल रहा हूँ सर, मेरे को ऊपर सांस की प्रॉब्लम है, इसके लिए दवाई। सांस की प्रॉब्लम है सर? जी जी जी। उम्र बता दीजिए। अच्छा, उम्र मेरे 21-22 होगा। ओह, बहुत कम उम्र में सांस की प्रॉब्लम, इसका मतलब है फेफड़े कमज़ोर हैं। तो मैं देखिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, ये सीटियाँ आ रही हैं, ये आपको परेशान ना करें लिखने में, नुस्खा सही लिखें। और ये एक नुस्खा बहुत अच्छा है, अगर आप लिख लें अच्छे से, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद लें और 30 ग्राम पीप लें, जो हमारे किचन में गरम मसालों में पाई जाती है, इन सबको पाउडर बना लें। उन्नाव की गुठली निकाल के पहले फेंक देना, कभी उस समेत ना पीसें। और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गरम पानी से या चाय से यूज़ किया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है। खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, आपको आराम आ सकता है जी। तो सर आपके लिए कौन सा नुस्खा बेहतर है? हकीम साहब ने बता दिया है, आपने उम्मीद करूंगी लिख ली होगी सारी बातें, या फिर अभी भी अगर आप लिख नहीं पाए हैं या दोबारा से जानना चाहते हैं कोई भी नुस्खा, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पर जाके दोबारा से सुन सकते हैं अपनी बीमारी से रिलेटेड नुस्खे। आपको यूट्यूब पर जाना है, टाइप करना है हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप अपने रोग से रिलेटेड नुस्खे के साथ साथ बहुत सारे और नुस्खे भी जान सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कभी भी कॉल कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम से। वाराणसी से अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। जय हिंद, स्वागत है आपका वाराणसी वालों। आप तो ठंडी का मौसम आने लगा है, ठंडी लगती है तो लोग कहते हैं थोड़ा सा अजवाइन खा लीजिए या चाय में अजवाइन डाल के पी लीजिए, तो इसकी ठंडी कम हो जाती है। तो ये खाना जरूरी है कि ठंडी कम लगे?
हाँ देखिए, अजवाइन गर्म मिजाज की है और ठंड को कम करती है, काफ़ी गर्म होती है। और एक आता है अजवाइन का सत्व, तो इतना गर्म होता है, फिटकरी जैसा होता है अजवाइन का सत्व कहते हैं, इतना गर्म होता है कि अगर स्किन पे लगा लो तो स्किन जल जाती है, फिटकरी जैसा दिखता है, नमक जैसा। तो दो चुटकी कम से कम खा सकते हैं, बगैर रोक के भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ खा सकते हैं, दो चुटकी अजवाइन बस काफ़ी है। अगर किसी को ज़्यादा ठंड लग रही हो तो इसे खाने से बेहतरी हो सकती है। जी, मुकुल बंसल जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। साहब जी, एक मतलब सर, मैंने जनवरी में आपका काउंसिल लिया था, तो पैर में दर्द के लिए, तो जनवरी से फरवरी मार्च में लिया था, तो उस टाइम मुझे आराम मिला था, 2 महीने मैंने लिया था। तो फिर उसके बाद सर मैंने छोड़ दिया था 2 महीने बाद लेने के बाद। तो फिर अब फिर दर्द फिर से उठने लगा है सर, 15 दिन हुआ है। तो पहले मतलब काफ मसल्स में होता था, अब थाइस मसल्स में, मतलब अनकंट्रोल पेन हो रहा है सर। और सब मैंने पूरा एक्सरे MRI सब करा लिया है, सब नॉर्मल रिपोर्ट है सर, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, कुछ सर थोड़ा बताइए सर, एक्चुअल में थोड़ा बैटरी मेरा कम है, मतलब। उम्र क्या है आपकी बंसल साहब? मुझे 32-32। ठीक है ठीक है। वेस्टर्न टॉयलेट है घर में? हाँ सर। ठीक है सर, वो तो मैं यूज कर रहा हूँ, जब से ही कर रहा हूँ आपका, वो मैं ले रहा हूँ गुंसिया जनवरी से, जब से ही वो सब पूरा आपने जैसा बताया सब वैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक। तो सर अब इतनी तकलीफ बढ़ गई है सर, काफी समस्या में, फिक्र ना करें, फिक्र ना करें, गुंसिया आपके पास है, वो दोबारा से शुरू कर दें। और आपको पूरा कोर्स नहीं किया आपने, पहले ही छोड़ दिया, जैसे ये फितरत है हमारी भी आपकी भी कि डॉक्टर ने 3 खुराक दी, एक खुराक में फ़ायदा हो जाता है, 2 खुराक पड़ी रहती है। तो यूनानी दरअसल ऐसा नाजुक इलाज है कि इसको पूरा कोर्स कर लेना चाहिए और मालूम करके फिर बंद करना चाहिए। तो वो दोबारा शुरू कर दें, आधा आधा ग्राम 2 बार, और ये वही रोग है लेकिन अभी पूरी तरह निकला नहीं था और वज़न बिल्कुल नहीं उठाया, जो हिदायतें मैंने आपको बताई। वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में है, बहुत दर्द हो तो दर्द की गोली भी साथ में ले सकते हैं, आपको पता है आपने यूज़ किया, ये दर्द की दवा नहीं है, ये मर्ज की दवा है। अभी 2-3 महीने लगातार खाकर बंद करना और वज़न उठाना मना है, बस आप खुश रहें, बहुत जल्दी भगवान आपको फ़ायदा दे सकता है। बिल्कुल, तो देखिए सर, आपने ये खुद कहा कि आपको जब आराम मिल गया तो आपने नुस्खा रोक दिया है, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप नुस्खा बिल्कुल मत छोड़िएगा। आप लोगों को दर्द को देखिए लाभ मिल जाता है, जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि ये इंसानों की फितरत हो जाती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ से लाभ मिलता है तो आप वो चीज़ छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और यूनानी ट्रीटमेंट तो दर्द को इतना लाभकारी है कि आपके किसी भी रोग को वो जड़ से करता है, आपको किसी भी चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपके घर में मौजूद है वो किचन जो आपका दवाखाना है, इस्तेमाल कैसे करना है वो आप जानते हैं हकीम साहब से। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हकीम साहब से बात करना चाहते हैं, तो फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पे है। मुरादाबाद से है परवीन कपूर जी, स्वागत है आपका। जी सवाल कर लीजिए सर। मेरे को एक तो नींद की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की शिकायत है। मेरी 51 है और मेरी वाइफ की जो है वो 46 है, उसको भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और नींद नहीं आती, गुस्सा बहुत आता है जी। देखिए, एक हर एक आदमी को डिप्रेशन है आजकल, कभी सोचता हूँ मुझे भी अक्सर डिप्रेशन हो जाता है। और जैसे दुनिया के हालात होते हैं और जैसे घर के हालात होते हैं, डिप्रेशन का आना तय है। जो भी आदमी जिम्मेदार है वो सोचता ज़्यादा है और उस सोच से निकल कर आना चाहिए। कभी कभी हम डीप सोच कर और वहीं रह जाते हैं, और भगवान पे भरोसा करें, कोई भी परेशानी आए तो उसमें कोशिश करें जितनी भी आप कर सकते हैं, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। अगर उसमें कामयाबी नहीं मिली तो
उसमें भी इत्मीनान रखें कि भगवान की तरफ से आपके लिए यही बेहतर है। और एक चम्मच धनिया का पाउडर रोज़ाना 2 बार खाएं। धनिया तो आप जानते हैं, धनिया का पाउडर 1 चम्मच खाकर और 1 चुटकी नमक, जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर ये पानी पी लिया करें दिन में 1 बार या दो बार सुबह और रात को सोते वक्त, आप दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, जो बात इन्होंने कही कि डिप्रेशन, फिर नींद नहीं आती, ऊपर से गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो ये तीनों चीज़ें ही अगर किसी भी व्यक्ति को हो गई हैं तो वो तो वैसे ही बीमार ही है। देखिए, डीप तो सब समझदार लोग जाते हैं, डीप कोई भी पागल आदमी नहीं जाता, समझदार आदमी जाता है जी। और इतनी परेशानियां हैं दुनिया में, समाज में, घर में, हर घर में कोई ना कोई परेशानी, फसाद, आपस में लड़ाई झगड़े, और कोई इतनी किस्म की परेशानियां कि आदमी गिन भी नहीं सकता। हमें अपने हालात में जीना चाहिए, जैसे हालात हों वैसा हो जाए, और भगवान का शुक्र वाला ज़रूर हो। ज़्यादातर लोग वो डिप्रेशन में जाते हैं जो भगवान का शुक्र नहीं करते। देखिए, जिस हाल में भी भगवान रखे, अगर वो हमें 2 वक्त की रोटी, हलाल रोज़ी, रिश्वत वाली नहीं, मेहनत वाली और हक वाली, हलाल वाली दे रहा है, तो उसका बहुत बड़ा कर्म है। बस ये रोटी ही सच्चाई है ज़िंदगी की, बाकी पढ़ेगा नहीं आदमी तो चल जाएगा, और घर नहीं होगा तो फुटपाथ पे सो जाएगा, और हर चीज़ को आप कवर कर सकते हैं। अगर रोटी नहीं है तो जी नहीं सकते, अगर भगवान रोटी दे रहा है 2 वक्त की इज्जत से, समझ लीजिए उसकी बहुत बड़ी इनायत है। अब आपको जो कुछ चाहिए, तो जो कुछ भगवान ने दिया है उसका शुक्र करें। अगर आपने यहाँ से दिल से भगवान का शुक्र किया, भगवान को राज़ी कर लिया, तो जो चाहोगे भगवान आपको दे सकता है। लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाएं, माँ बाप की सेवा करें, जिसका जो हक है उसको वो हक दें, किसी का हक ना मारें, गरीबों से मोहब्बत करें, और इन बातों से भगवान राज़ी होता है। और जिसने भगवान को राज़ी कर लिया, वो भगवान से हर चीज़ ले सकता है जो उसके लिए मुश्किल हो और नामुमकिन हो। ये मेरा अपना तजर्बा है। बिल्कुल। तो प्रवीण जी, देखिए परेशानी आपके साथ, आपकी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा है, यकीनन हम ये समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़ को, लेकिन देखिए खूबसूरत सा मैसेज आप तक पहुंचाया है हकीम साहब ने, और आपको नुस्खा भी बता दिया गया है, तो उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे आप दोनों बहुत जल्दी बहुत बेहतर हो जाएं। अगले कॉलर हैं सहारनपुर से, नरेश जी, स्वागत है आपका। जी सर, सवाल करिए सर। बैटरी में फोन ना आवाज ठीक है। नरेश जी, देखिए नस्खा लिख लीजिए और बनाइए और इस्तेमाल करिए। एक तो आप ऐसी चीज़ें खाया करें जो आसानी से हजम हो जाए, हल्की ग़िज़ाएँ खाएं। और एक नुस्खा है वो बना लें, एक कत्था, जो पनवाड़ी पान पे कत्था लगाता है ना, कत्था ही सा होता है, वो कत्था लें 100 ग्राम, सूखा हुआ मिलता है, कत्था सफ़ेद कहते हैं, कत्था सफ़ेद 100 ग्राम ले लें, और कत्था सफ़ेद 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम, ये सब गोल की भूसी 100 ग्राम, और गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना, सफ़ेद गौन मोरिंगा, और धनिया 100 ग्राम, इन सबको खूब बारीक पाउडर बनाएं, और 2 ग्राम सुबह खाएं, 2 ग्राम शाम को, 1-1 कप दूध से, खाने से पहले
खाएं तो बहुत बेहतर है, या इनकी गोलियां बना लें इस पाउडर की, और काबली चने के बराबर गोलियां बना लें, और दो गोली सुबह नाश्ते से पहले दूध के साथ, दो गोली शाम को लें। तो जितना नुस्खा मैंने बताया है, इतना नुस्खा आपने बनाया, तो इसके ख़त्म होने से पहले आपका अच्छा होना मुमकिन है।